मोबाइल है दे दीजिएगा, चार्जर समेत ले लीजिएगा, प्रॉब्लम है। अभी को कहे मोबाइल ठो लीजिए ना। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतन पुंज जासु वचन रवि करे सदगुरु महर्षि में ही प्रमाण जी महाराज के वह पाद पद्मों में पूज्य सम्मान व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य पाद संत सदगुरु महर्षि विभूषण प्रमाण जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि सम्मान मद मंगल में साधु समाज आदरणीय सत्संग प्रेम महानुभावो माताओं तथा भक्तिमती बहनों आप सबको गौरमानंद की तरफ से नववर्ष 2021 की बहुत सारी बधाइयां। अब हम लोग पाठ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पाठ हुआ है सत्संग योग चारों भाग से और वो ये है कि हम सबों के शरीर में सारी विद्याएं हैं, हम सबों के शरीर में सारे देवी देवता गण हैं और हम सबों के शरीर में सारे तीर्थ मौजूद हैं। इस तीनों को हम कैसे प्राप्त करें, सारे विद्याओं को, सारे तीर्थों को और देवी देवताओं को कैसे, गुरु के सानिध्य में उनके चरण शरण में निवास करके, उनकी वाणी का श्रवण करके, उनकी सेवा करके, कठोर ध्यानाभ्यास करके हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पूरी मानवता को देखिए तो मानवता क्या करती है, जिस शरीर में देवी देवता का निवास है उस शरीर को कबरखाना बना के रखे हैं। कबरखाना बना के रखे हैं तो क्या उसमें होता है, कोई मांस जाके खा के अपने शरीर को दफना देते हैं, अपने शरीर में कोई बकरी दफना देते हैं, कोई मुर्गा खा लेते हैं। और ये पवित्र, जिस शरीर में पवित्र परमात्मा अवस्था है उस शरीर को अपवित्र कर देते हैं। ये सब दिक्कत है। बहुत सारे लोग को देखे हैं धर्म से संबंधित भजन गाते हैं, पूरे विश्व में भजन गायक के रूप में विख्यात हैं, खाते हैं मांस, खाते हैं, पीते हैं शराब और उसके बाद भजन गाते हैं। देखिए क्या, जब आपका शरीर अपवित्र हो गया तो भजन गाने से क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा? हम चार कदम पीछे हटे हैं और दो कदम आगे बढ़े, तो आखिर तो दो कदम पीछे ही चले गए ना। चार कदम पीछे हटे और दो कदम आगे बढ़े तो क्या हो, दो कदम पीछे हो गए। इसलिए अपने शरीर को जो हम बहुत पायस करेंगे, होली करेंगे, पवित्र करेंगे, तब उसमें पवित्र परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा है क्या? परमात्मा पवित्रता की पराकाष्ठा है। जितना पवित्र हम हो सकते हैं उसका जो कंसमेशन है, जब उत्कर्ष है, वो परमात्मा। हम जितना पवित्र होने का प्रयास कर सके करना चाहिए, और जो नहीं हो सकता है फिर हमसे जो वरिष्ठ संत सदगुरु है, साधु महात्मा है, वो हमें कराएंगे, परंतु अपने तरफ से प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए पवित्रता के लिए। देवी देवता हमारे शरीर के अंदर है, हम मंदिरों में भटकते हैं, गलत है। जैसे किताब में सारा ज्ञान है तो क्या वो ज्ञान बिना गुरु के बताए किताब से समझ आता है क्या? नहीं। उसी तरीके से हम लोगों के शरीर में परमात्मा है, देवी देवता है, सब कुछ है हम लोगों के शरीर में, परंतु ये तभी हम प्राप्त कर सकेंगे जब संत सदगुरु की चरण शरण में रहकर उनके उपदेशों को सुनेंगे,
की सेवा करेंगे तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, दो चार खराब जन्मों में भी नहीं हो सकता। तो अब तीर्थ तीर्थ के लिए लोग जाते हैं, तीर्थ जाना कोई बुरा नहीं है, परंतु जब सारे तीर्थ अपने शरीर के अंदर भी है तो हम अपने शरीर में ध्यान अभ्यास करके सारे तीर्थों का दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए गुरु महाराज हम पर कितना कृपा किए, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम महात्मा बन जाएंगे, कल्पना भी नहीं किए थे। आपको कहानी सुना देते हैं, हम गायक हुआ करते थे, गाना उना गाते थे, हम सोचते थे कि कोई आजकल बजार में बिकने वाला गवैया सब नहीं होता है, सोचते थे वही बन जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, जीवन चल जाएगा अच्छा से। तो गायकों होने के लिए कंठ में बहुत साधना करनी पड़ती है आवाज निकालने, तो इसी लोग में गुरु जी की कुटिया पर जाके साधना करते थे सुबह शाम। जब शाम में पहुंच जाते थे हम 4:45 के आसपास, और सुबह 6:30 के आसपास छोड़ देते थे कुटिया, रात में चट्टी बिछा कर वहीं ध्यान करते थे। पहले लोग यही था कि स्वर को सिद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, ऐसे ऐसे गुरु जी का संग हुआ स्वर को साधने के उद्देश्य से। फिर गुरु जी का संग होते होते उनका रंग चढ़ गया, गुरु ने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, कौन गायक सुखी जीवन जी रहा है, जो सब तो जो इधर उधर की बात करके जीवन चलाते हैं, तो उन लक्ष्यों को छोड़ो और ध्यान भजन करो। और वही जो गला को सिद्ध करने के उद्देश्य से ध्यान भजन करते थे ना, उसी रास्ते से थोड़ा हटा कर गुरु जी ने लगता है ध्यान कर लिया, चलो प्रवचन करो। तो प्रवचन करते थे, गुरु जी जहाँ जाते थे हमको मिल जाते थे, कुछ पैसा भी देते थे, गुरु जी को जो भी पैसा मिलता था हमारा भरण पोषण भी गुरु जी करते थे। फिर 12 ईस्वी से बड़ा बड़ा सत्संग होने लगा। तो सोचिए बने गए थे क्या बने और क्या बनकर निकल गई है, संघ का रंग है, संघ का रंग है। वो आप उसका शरीर नहीं रहा, अगर वो नहीं होते तो हम साधु बन ही नहीं सकते। तो महापुरुष के संग से मेरा जीवन सवर गया। फिर गुरु शरण बाबा अपने चरण में लिए, अपने बहुत सारे प्रोग्राम में बुलाए और जितनी कृपा करनी है सब उन्होंने हम पर किया। अब अगली कृपा जो गुरु महाराज कर रहे हैं हम पर, आपको लगता है कि कहाँ से ये कृपा हो गई है। जैसे सुबह उठते हैं विश्व के सभी देश के साधु महात्मा मेरे मोबाइल पर आ जाते हैं, हम थाईलैंड के बौद्ध हैं, हम बैंकॉक के हैं, इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया के हैं, पूरा विश्व के सारे महात्मा ये छप्पर फाड़ के जो साधु संघ मिल रहा है, क्या हमारे योग शक्ति से हो रहा है? कभी नहीं, ये गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज ये सब करता कौन है, करता तो गुरु है, हम केवल एक निमित्त है। यहाँ जो मंच पर जितने साधु महात्मा है इनका संग तो हो ही रहा है, और मोबाइल पर सुबह सुबह उठे देखे थाईलैंड के महात्मा थे हैप्पी न्यू ईयर करने आ गए। तो महात्मा का आना मिलना ये सब सुख की बात है, कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता वो पहली भक्ति के क्रम की बात है। तो इस सब गुरु की कृपा से सब कुछ हो रहा है। फिर आगे कहा गया कि गंग जमुन सरस्वती संगम पर श्रद्धा करो मित भाई, हाँ तो बाबा का आदेश है कि समय से ही सब कुछ करना है, इसलिए हम यहीं पर अपने प्रवचन को रोकेंगे और शेष जो है हम लोग बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से।